सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिक थंडर के बारे में। ये कहानी है कुछ एक्टर्स की जो एक बेहतरीन एक्शन फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन ये एक्टर्स बहुत बड़े कलाकार हैं, इसीलिए हमेशा ही डायरेक्टर को तंग करते रहते हैं। इस फिल्म का मेन एक्शन हीरो है टग स्पीडमैन, जिसे हमेशा ही बेहतरीन एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है, और उसके साथ है 5 बार ऑस्कर जीतने वाला एक्टर जिसका नाम है कर्क। और इस फिल्म में तीसरा एक्टर है एक रैपर जिसका नाम है अल्पा, और चौथा एक्टर है जेफ जो पहले एक कॉमेडियन था। और अभी इन सब को लेकर के डायरेक्टर एक बेहतरीन फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन इनकी आदतें देखने के बाद डायरेक्टर परेशान हो जाता है, इसीलिए वो इन सबको लेकर के जाता है एक खतरनाक जंगल में जहाँ पे उसने हर जगह कैमरा छुपा रखे हैं। लेकिन जैसे ही ये सारे लोग जंगल में पहुँचते हैं, ये बुरे हालातों में फंस जाते हैं, और यहाँ पे हर जगह नक्सल छुपे हुए हैं जो इनके जान के दुश्मन हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें इन सारे एक्टर्स का काम दिखाया जाता है कि इन्होंने कितनी शानदार फिल्में की हैं। और इसी के साथ हमें पता लगता है कि डेमियन नाम का डायरेक्टर अभी एक फिल्म बना रहा है, और ये फिल्म आधारित है ट्रॉपिक थंडर नाम की एक किताब पे, और इस किताब को लिखा है सार्जेंट जॉन ने, जिन्होंने वियतनाम वॉर लड़ा है। और अभी ये सारे एक्टर्स इसी फिल्म का हिस्सा है। तभी हमें फिल्म का सेट देखने को मिलता है, और ये बहुत ही महंगा सेट है, और आज फिल्म के सबसे बेहतरीन दृश्य को फिल्माया जा रहा है, और शूटिंग चालू है, और सारी चीजें सही जा रही होती है। हम कर्क को देखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन अभिनय कर रहा होता है, क्योंकि वो एक मेथड एक्टर है, और उसके साथ साथ हम जेफ को भी देखते हैं, और उसकी भी एक्टिंग कमाल होती है। तभी हमारी नजर जाती है टग पे, और टग अपने एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा होता है। और यही पे एक दृश्य होता है जब बाकी लोगों को हेलीकॉप्टर से भागना होता है, और जब वो हेलीकॉप्टर से भागते हैं तब उनकी तरफ एक बॉम्ब आता है, और टग उस बॉम्ब को अपने हाथों से रोक देता है, जिसमें वो अपने हाथों को खो देता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, और सारी चीजें बिल्कुल लाइन पे होती है। और जैसे ही टग नीचे गिरता है तब उसके पास कर्क आता है, और यहाँ पे फिल्म का सबसे इमोशनल डायलॉग आता है, जहाँ पे टग कर्क को बोलता है कि वो उसका भाई है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, और इन सबको बचाने के लिए उसने अपने हाथों को त्याग दिया। लेकिन टग अपने डायलॉग्स बोलता उससे पहले कर्क रोने लगता है, और कर्क बहुत ही बुरी तरीके से रोता है, जिसे टग बहुत ही इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस दृश्य में अगर कर्क रोएगा तब सारी ऑडियंस उसे देखेगी, ना कि टग को। इसीलिए टग इस सीन को रुकवा देता है, और वो बार बार डायरेक्टर से पूछता है कि क्या इसे इतना रोना चाहिए, और डायरेक्टर कहता है कि कोई कितना भी रोए तुम अपना डायलॉग बोलो, लेकिन टग को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो बार बार सीन्स को रुकवाता है। और इस चीज को देखने के बाद डायरेक्टर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और दूसरी तरफ हर जगह बॉम्ब लगाया गया है, क्योंकि इस दृश्य के लास्ट में पूरे सेट को उड़ाना है, और यही फिल्म की डिमांड है। इसीलिए जो आदमी पूरे सेट को उड़ाने वाला है वो अपने इशारे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसने हर तरफ बॉम्ब लगा दिया है। लेकिन यहाँ पे टग और कर्क में लड़ाई हो गई है, और वो सीन को आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा है, और जिसे यहाँ पे ब्लास्ट करना है वो बार बार डायरेक्टर से पूछ रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर तक उसकी आवाज नहीं पहुँच रही होती, इसीलिए वो डायरेक्टर के इशारे का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन अब डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और वो आदमी उसके गुस्से को इशारा समझ लेता है, इसीलिए वो पूरे सेट को उड़ा देता है, और यहाँ पे करोड़ों का नुकसान होता है, इसीलिए सारे बौखला जाते हैं। और अब मीडिया में हर जगह इस बात की चर्चा होने लगती है। तभी हम टग को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि उसका करियर लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि उसकी पिछली बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, और अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली तब उसका करियर भी खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ साथ वो बाकी एक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं कि ट्रॉपिक थंडर में जितने भी एक्टर्स काम कर रहे हैं उनका रवैया बहुत ही खराब है। तभी टग को उसके मैनेजर का कॉल आता है, जिसका नाम है रिक, और रिक टग को कहता है कि तुम्हें इस फिल्म में हार नहीं माननी है, तुम्हें कर्क से बेहतरीन एक्टिंग करनी है, और दुनिया को दिखा देना है कि तुम कितने बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारे पास बस एक यही मौका है। और इन सारी बातों को बताने के बाद रिक टग से पूछता है कि क्या तुम्हें अब तक वीडियो गेम मिला या नहीं, क्योंकि उसने प्रोडक्शन वालों को बोला था वीडियो गेम देने के लिए। तब टग बताता है कि उसे अभी तक वीडियो गेम नहीं मिला, इसीलिए रिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी प्रोडक्शन से बात करता हूँ। तभी हम डेमियन को देखते हैं जो पहुँचता है प्रोडक्शन हाउस, और यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रोडक्शन हाउस के मालिक को, जिसका नाम है लिस ग्रॉसमैन। और ग्रॉसमैन बहुत ही गुस्से वाला आदमी है, और वो सबको गालियां देता है, वो किसी से भी बिना गालियों के बात नहीं करता। इसीलिए जैसे ही डेमियन यहाँ पे आता है ग्रॉसमैन उसे गालियां देने लगता है, और वो यहाँ के एक आदमी को कहता है कि इस आदमी को अभी जोर का मुक्का मारो। तब वो आदमी डेमियन को मुक्का मारता है। तब डेमियन कहता है कि उन एक्टर्स को झेलना बहुत मुश्किल है, टग रो नहीं सकता लेकिन कर्क जरूरत से ज्यादा ही रोता है, इसीलिए हम उस सीन को पूरा नहीं कर पाए, और वो बार बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तब ग्रॉसमैन कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है बल्कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, और तुम्हें कैसे भी एक्टर से काम करवाना है, और अगर तुम्हें एक्टर से काम करवाना नहीं आता तब तुम्हें अभी के अभी इस फिल्म को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरा जितना भी नुकसान हुआ है मेरे सारे नुकसान को तुम भरोगे, इसीलिए मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, अगर 1 महीने में मेरी फिल्म पूरी नहीं हुई तब मैं तुम पे केस करूंगा और अपने सारे पैसे वापस लूंगा। तभी यहाँ पे हम जॉन को देखते हैं, जिसने इस किताब को लिखा है, और ग्रॉसमैन इसे भी नहीं छोड़ता, इसे भी गालियां बकता है। लेकिन अब ग्रॉसमैन की गालियां खाने के बाद डेमियन भी गुस्से में है, इसीलिए वो सारे एक्टर्स के पास जाता है। तब वो देखता है कि ये सारे के सारे पार्टी कर रहे हैं और ये नशे में धुत हैं, इसीलिए
इसलिए डेमियन उनसे एक बार फिर से बात नहीं कर पाता और फ्रस्ट्रेट होकर के समंदर की तरफ आ जाता है। तभी वो जॉन को देखता है जो कि समंदर के पास बैठा हुआ है। इसीलिए अब डेमियन जॉन से बात करने लगता है और वो जॉन को अपनी दुख भरी कहानी बताता है। तब जॉन उसे कहता है कि इन एक्टर्स का दिमाग यहाँ पे ठिकाने पे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो किरदार को निभा रहे हैं उन्होंने उस चीज को कभी जिया ही नहीं है। इसीलिए तुम इन्हें असली जंगल में लेकर के चलो जहाँ पे हर जगह खतरा मंडरा रहा होगा, और तब जाकर के कहीं इनकी आंखें खुलेंगी। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे डायरेक्टर को आइडिया आता है और वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मैं इस फिल्म को गोरिल्ला स्टाइल में शूट करूंगा। मैं पूरे जंगल में कैमरे को छुपा दूंगा और जब ये पूरे जंगल में भटकेंगे तब हम उन सारे दृश्यों को शूट करेंगे और उससे फिल्म बनाएंगे। और ये आइडिया सबको पसंद आता है, इसीलिए डेमियन अगले दिन हेलीकॉप्टर में सारे एक्टर्स को बैठाता है और उन्हें लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और अब सारे लोग जंगल में आ जाते हैं और इनके साथ डायरेक्टर भी होता है यानी कि डेमियन, और इनके साथ एक सपोर्टिंग एक्टर भी है जिसका नाम है केविन, जो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहा है। और इन सबको यहाँ पे छोड़ने के बाद जॉन वापस चला जाता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे हर जगह एक्सप्लोसिव लगा रखा है और जल्दी ही उन्हें ब्लास्ट करना है। इसीलिए जॉन जाता है एक्शन डायरेक्टर के पास जो इन सारे बॉम्ब्स को फोड़ने वाला है। लेकिन अब डेमियन सारे एक्टर्स को सारी चीजें बताता है और वो सबसे पहले इनके फोन्स लेता है और कहता है कि हमें बिल्कुल टाइम पे शूटिंग खत्म करनी है क्योंकि स्टूडियो इस प्रोजेक्ट को बंद करने वाला है। इसीलिए वो टक को स्क्रिप्ट देता है और उसके साथ साथ एक नक्शा भी देता है कि अब उन्हें आगे कैसे कैसे काम करना है और कहाँ पे जाकर के इन्हें अपना बसेरा बनाना है। लेकिन ये सारे एक्टर्स इसकी बातों को हल्के में ले रहे होते हैं। तभी डेमियन सबको आंखें बंद करने के लिए कहता है। इसी बीच डेमियन का पैर पड़ जाता है एक बॉम्ब पे, क्योंकि यहाँ पे हर जगह नक्सलवादी भरे पड़े हैं और उन्होंने पूरे जंगल में बॉम्ब लगा रखा है। इसीलिए जैसे ही डेमियन का पैर बॉम्ब पे पड़ता है वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है और यहीं पे डेमियन की मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग चौंक जाते हैं। लेकिन टक कहता है कि ये सब कुछ प्लान का हिस्सा था और डेमियन मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और उसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो हमारी हालत खराब कर सके और हम ज्यादा सीरियस हो जाए, इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम जॉन को देखते हैं जो पहुंचता है एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के पास जिसका नाम है कोडी, और वो उससे बातें करने लगता है। लेकिन अब ये सारे एक्टर्स आपस में लड़ रहे हैं और टेक कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कर्क कहता है कि सब कुछ गड़बड़ हो चुका है इसीलिए अब हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और अब इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे नक्सल आ जाते हैं और इनके कॉस्ट्यूम को देखने के बाद उन्हें लगता है कि ये सब यूएस आर्मी से है, इसीलिए वो लोग इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इन सबको लगता है कि ये नकली गोलियां हैं और फिल्म का शूट चल रहा है, इसीलिए ये लोग भी गोलियां चलाने की एक्टिंग करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे गोलीबारी होती रहती है। तभी जॉन दूर से इन सारी चीजों को देख लेता है और उसे लगता है कि यही उनका क्यू है जब उन्हें यहाँ पे बॉम्ब फोड़ना है। इसीलिए कोडी यहाँ पे बॉम्ब फोड़ देता है और सारे नक्सलवादी यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्मी उन पे हमला कर रही है। लेकिन अब टक और उसके साथियों का रास्ता क्लियर हो जाता है, इसीलिए आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कर्क से टक की बार बार लड़ाई होती है क्योंकि कर्क को लगता है कि अभी भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन टक किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। तभी हम जॉन और कोडी को देखते हैं जो कि लोकेशन पे वापस आते हैं, और वो जैसे ही वापस आते हैं उन्हें डेमियन का सर मिलता है और उन्हें पता लगता है कि डेमियन अब मर चुका है। इसीलिए जॉन परेशान हो जाता है और वो कोडी को कहता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा जंगल नक्सलवादियों से भरा पड़ा है और अब वो एक्टर्स भी जिंदा नहीं बचेंगे क्योंकि डायरेक्टर मर चुका है, इसीलिए अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। और इन बातों को सुनने के बाद कोडी भी डर जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं अपने करियर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, इसीलिए हमें एक्टर्स के पास जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे नक्सलवादी आ जाते हैं। तभी कोडी के हाथ में जॉन का नकली हाथ आ जाता है और कोडी को पता लगता है कि जॉन अब तक कहानियां बता रहा था, उसके दोनों हाथ सलामत है जबकि उसने लोगों से कहा था कि वार के दौरान उसने अपने हाथों को खो दिया था और अब इन्हें नक्सलवादी पकड़ लेते हैं। तभी दूसरी तरफ हम सारे एक्टर्स को देखते हैं और अब यहाँ पे जेफ धीरे धीरे पागल हो रहा है क्योंकि उसे ड्रग्स नहीं मिल रहा और जेफ एक बहुत बड़ा नशेड़ी है, वो हमेशा ही ड्रग्स लेते रहता है। लेकिन अभी कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है कर्क, इसीलिए कर्क जाता है केविन के पास और कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम बूट कैंप गए थे, तो क्या तुम नक्शे को पढ़ सकते हो? और केविन कहता है कि हाँ। तब कर्क कहता है कि मौका मिलते ही मैं टक के हाथ से उस नक्शे को छीन लूंगा, उसके बाद तुम मुझे बताना कि इस जंगल से बाहर कैसे निकलना है। लेकिन अब टक को भी शक हो चुका है कि कर्क कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है और अभी लोग एक बार फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद कर्क गुस्सा हो जाता है टक पे और कहता है कि मुझे वो नक्शा दो क्योंकि हम सुबह से ऐसे ही चलते जा रहे हैं और हमें पता नहीं कि हम सही जा रहे हैं या फिर गलत, लेकिन टक इन्हें नक्शा नहीं देता। तब कर्क बड़े ही चालाकी के साथ वो नक्शा छीन लेता है और वो जैसे ही नक्शा केविन को दिखाता है, केविन कहता है कि हम गलत जा रहे हैं, हमें जहाँ जाना था वो रास्ता पीछे छूट गया। इसीलिए अब कर्क गुस्सा करने लगता है टक पे, लेकिन टक यहाँ पे किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि मैं तो यहीं से जाऊंगा, तुम्हें जहाँ से जाना है तुम वहाँ से जाओ। और अब टक अकेला ही निकल जाता है और बाकी लोग दूसरी तरफ से निकल जाते हैं ताकि वो जंगल से बाहर जा सके। तभी हम जॉन और कोडी को देखते हैं और जॉन यहाँ पे कोडी को बताता है कि वो आर्मी में तो था बल्कि वो कोई सिपाही नहीं था और वो क्लीनिंग का काम करता था और उसने अपने बारे में सारी झूठी अफवाह फैलाई है। और इन बातों को सुनने के बाद अब कोडी बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी हम टक को देखते हैं जो कि जंगल में फंसा हुआ है और रात में बहुत ही तेज बारिश हो रही है, इसीलिए अब टक को अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं
और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। लेकिन जब डेमियन सबका फोन ले रहा था तब टग ने अपना एक फोन छुपा लिया था, इसीलिए वो उस फोन से रिक को कॉल करता है। और रिक जब उससे पूछता है कि वो कहाँ है तब टग कुछ नहीं बता पाता और वो पागलों जैसी बातें करने लगता है, इसीलिए अब रिक को शक होने लगता है। तभी एक नक्सल आकर के टग को पकड़ लेता है और वो उसे बेहोश कर देता है और अब रिक को और भी ज्यादा शक होने लगता है, इसलिए वो कहता है कि वो अभी के अभी ग्रॉसमैन के पास जा रहा है। तभी हम कर्क को देखते हैं जो बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अब इनके बीच भी झगड़ा होने लगता है क्योंकि ये सब के सब सनकी हैं। तभी टक को वो नक्सल लेकर के जाता है अपने अड्डे पे और उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन टक को लगता है कि ये सब कुछ फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसीलिए अपने लाइनों के मुताबिक इस नक्सल को एक किक मारता है। और इस चीज को देखने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी हम कर्क को देखते हैं जो बाकी लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो नक्सलियों के अड्डे को देखता है और यहाँ पे वो देखता है कि वो लोग टक को टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। और टक को टॉर्चर करने के बाद ये लोग लेकर के जाते हैं उसे अपने मालिक के पास, और इनका मालिक एक 12 साल का बच्चा है जिसका नाम है ट्रान। और बातों ही बातों में ट्रान को पता लग जाता है कि टक कौन है। और इन सारे नक्सलियों को टक की एक फिल्म बहुत पसंद है जिसमें वो एक पागल बना था। तभी हम रिक को देखते हैं जो पहुंचता है ग्रॉसमैन के पास और वो उससे बात कर ही रहा होता है। तभी टक के नंबर से ग्रॉसमैन के फोन पे एक कॉल आता है और ये लोग जैसे ही फोन उठाते हैं उन्हें नक्सलियों की आवाज सुनाई पड़ती है और ये लोग बताते हैं कि टक अब हमारे कब्जे में है और अगर तुम लोग इसे चाहते हो तब हमें $10 मिलियन चाहिए। और इस बात को सुनने के बाद ग्रॉसमैन गुस्सा हो जाता है और वो उन नक्सलियों को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है और इस बात को सुनने के बाद वो जाते हैं, इसीलिए वो टक को बंदी बना करके रखते हैं और उसे वैसा ही गेटअप देते हैं जैसा पागल वो फिल्म में बना था और उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे दिन में 3 बार शो करोगे, वो भी उसी इंटेंसिटी के साथ। और वो उसे शो करवाने लगते हैं और जब उसकी एक्टिंग खराब होती है तब वो उसे पीटते भी है। और दूसरी तरफ कर्क अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर रहा है कि वो लोग टक को छुड़ाएंगे, उसके बाद ही वो जंगल से बाहर जाएंगे। तभी हम फिर से ग्रॉसमैन को देखते हैं और एक बार फिर से नक्सली उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आखिरी बार तुमसे पूछ रहे हैं, अगर तुमने हमारे मांगों को पूरा नहीं किया तब हम इसे मार देंगे। और ग्रॉसमैन कहता है कि उसे मार दो और इतना कहने के बाद वो फिर से गालियां देता है, इसीलिए अब रिक ग्रॉसमैन से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, वो लोग उसे मार देंगे। तब ग्रॉसमैन कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वो लोग उसे मार दें क्योंकि हमने टक का इंश्योरेंस कराया है और टक के मरने के बाद इंश्योरेंस वाले हमें इतने पैसे देंगे जितने पैसे हम उस फिल्म से कभी भी नहीं कमा पाएंगे, और अगर हमें उतने पैसे मिलते हैं तब हम उसमें से एक हिस्सा तुम्हें भी देंगे। और यहाँ पे इन बातों को सुनने के बाद अब रिक भी सोच में पड़ जाता है और दूसरी तरफ ये लोग टक से ऐसे ही शो करवाते रहते हैं और कर्क उन्हें देख करके प्लानिंग बनाता है कि वो लोग टक को कैसे बचाएंगे। लेकिन अब इन लोगों ने टक का ब्रेनवॉश कर दिया है और अब टक आधा पागल हो चुका है और उसे लगता है कि वो पागल आदमी है। और शो करने के बाद जब वो अपने मेकअप को चेंज कर रहा होता है तभी उसके पास एक बच्चा आता है जो उसे एक लकड़ी का खिलौना देता है और उस खिलौने को देखने के बाद टक भावुक हो जाता है और कहता है कि यही मेरे लिए ऑस्कर है और आज से तुम मेरे बेटे हो। तभी हम कर्क को देखते हैं जो प्लानिंग करता है कि कल सुबह हम लोग उन पे हमला करेंगे और टक को छुड़ाएंगे और हम लोग अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि स्क्रिप्ट में एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग लिखी गई थी कि कैसे हम नक्सलियों के इलाके में घुस सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो सबके लव लाइफ के बारे में बात करने लगता है और यहाँ पे सबको पता लगता है कि एल्पा एक गे है, लेकिन वो बात पूरी दुनिया से छुपाता है। लेकिन अब ये बात सबको पता लग गई है। लेकिन अब जैसे ही सुबह होती है ये लोग बड़े ही चलाकी के साथ नक्सलियों के इलाके में घुस जाते हैं और कर्क बाहर सबका ध्यान भटकाता है। तब तक दो लोग पहुंच जाते हैं कोडी और जॉन के पास और कोडी कहता है कि मैं इस पूरे इलाके को उड़ाने की तैयारी करता हूं। फिर वो हर जगह बॉम्ब लगाने लगता है। तब तक कर्क उनसे बात कर रहा होता है, इसी बीच उन्हें शक हो जाता है, इसीलिए ये लोग भी उन पे गोलियां चलाने लगते हैं। और अब कर्क के हाथ में भी बंदूक आ जाती है, इसीलिए वो लोग भी गोलियां चलाने लगते हैं और यहाँ पे घमासान लड़ाई होने लगती है। और इन सबसे निपटने के बाद ये लोग पहुंचते हैं टक के पास, लेकिन इन्हें पता लगता है कि उन लोगों ने टक का ब्रेनवॉश कर दिया है और उसे कुछ भी याद नहीं अपनी जिंदगी के बारे में और वो अभी भी अपने किरदार में खोया हुआ है। इसीलिए अब ये लोग कोशिश करने लगते हैं कि वो लोग कैसी भी उसकी याददाश्त को वापस लाएं। इसीलिए सब लोग कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे चारों तरफ गोलियां भी चल रही होती है। इसीलिए कर्क अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो टक की याददाश्त को वापस लाए और इस चीज को करने के लिए अपना मेकअप भी हटाता है और कहता है कि मैं दुनिया में सिर्फ दिखावा करता हूँ कि मैं एक मेथड एक्टर हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नकली करता हूँ और मुझे पता होता है कि मैं एक किरदार को निभा रहा हूँ। इसीलिए तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुम अभी किरदार निभा रहे हो, लेकिन तुम कुछ और हो, तुम्हारा नाम है टक स्पीडमैन। लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी टक को कुछ भी वापस याद नहीं आता। तब तक यहाँ पे चारों तरफ गोलियां चलने लगती है, इसीलिए ये लोग टक को लेकर के भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं इनके ऊपर ये लोग एक मिसाइल छोड़ देते हैं, इसीलिए ये लोग जिस गाड़ी से भाग रहे होते हैं ये पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और केविन को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती है। और जैसे ही टक केविन को देखता है उसे सारी चीजें याद आ जाती है और वो कहता है कि मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है, इसीलिए अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और जब ये लोग भागते हुए एक पुल पे पहुंचते हैं तब वहाँ पे कोडी हेलीकॉप्टर लेकर के आता है और वो कहता है कि मैंने इस पुल पे बॉम्ब लगा दिया है, इसीलिए जल्दी हेलीकॉप्टर में बैठो, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तब टक कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बेटा उधर है। और कर्क इन बातों को नहीं समझ पाता है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पे कैसे आया। तब टक उसे बताता है कि उस साइड एक छोटा सा बच्चा है जो मुझे अपना पिता मानता है, इसीलिए मुझे वापस जाना पड़ेगा। और
नर्क टक को रोकता रहता है लेकिन वो नहीं रुकता और वो वापस चला जाता है। तब बाकी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वो लोग उस पुल को उड़ाने ही वाले होते हैं। तभी वो टक को भागता हुआ देखते हैं क्योंकि जिस बच्चे को वो बचाने गया था वही बच्चा उसे चाकू मार रहा है। इसीलिए अब टक भाग करके इनके पास आ रहा है और उसके पीछे सारे नक्सलवादी हैं। और टक अभी आधे पुल पे होता है तभी हमें पता लगता है कि कोडी ने पहले ही रिमोट दबा दिया था, इसीलिए अब ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। और जैसे ही टक थोड़ा आगे आता है तभी पुल ब्लास्ट हो जाता है और सबको लगता है कि टक मर चुका है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये लोग देखते हैं कि टक अभी भी जिंदा है। इसीलिए अब कर्क जाता है टक के पास उसे वापस लाने के लिए। तब टक यहाँ पे कर्क को सॉरी बोलता है और यहाँ पे टक की आंखों में पहली बार आंसू होता है और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी ट्रान इनकी तरफ एक मिसाइल फेंकता है और वो मिसाइल इनके हेलीकॉप्टर पे आकर के लगने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे रिक आ जाता है और रिक ने ग्रॉसमैन के ऑफर को नहीं माना था, इसीलिए वो टक को बचाने आया था और वो टक का फेवरेट वीडियो गेम भी लाया है। इसीलिए जब रिक देखता है कि हेलीकॉप्टर की तरफ एक मिसाइल जा रही है तब वो वीडियो गेम फेंकता है मिसाइल की तरफ और वीडियो गेम से टकराने के बाद वो मिसाइल वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है और सब लोग बच जाते हैं और पहुंचते हैं अपने शहर। और धीरे धीरे स्टूडियो उन सारे फुटेजेस को निकाल लेता है क्योंकि जंगल में चारों तरफ कैमरे लगे थे और उन सारे फुटेजेस को एक में मिला करके ये लोग फिल्म को रिलीज करते हैं और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होती है और टक के किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इसीलिए उसे ऑस्कर अवार्ड मिलता है और उसको ऑस्कर अवार्ड देता है कर्क। इसीलिए अब टक बहुत खुश है कि उसका करियर एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छू रहा है और ग्रॉसमैन भी खुश है क्योंकि इस फिल्म ने बहुत सारे पैसे बनाए हैं। इसीलिए ग्रॉसमैन डांस करता है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।